तो अभी हम शुरू कर रहे हैं जामिया का चैप्टर नंबर 2 जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शुरू में जो चैप्टर के शुरू में जो हमारा मटेरियल है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो सब पढ़ लेना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो काम आएगा। सब कुछ उसमें रूट टू का आपको पता होना चाहिए, रूट थ्री का पता होना चाहिए और सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स पता होना चाहिए। ठीक है, 10th तक का तो सबको याद रहता ही है स्क्वायर किसका क्या है, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट 28 या 30 तक याद करने ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है कि किसी नंबर का उसमें ही मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उस नंबर की उसमें ही मल्टीप्लिकेशन करके इसको उसका स्क्वायर निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट नंबर पे है 196 इज द स्क्वायर ऑफ, तो इसमें बताना है कि 196 किसका स्क्वायर है। तो अगर आपने लर्न कर लिया है तब तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि 196 जो स्क्वायर है वो किसका है, 14 का। मींस 14 की जब 14 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 196। अदरवाइज इस नंबर की जगह पे कोई नंबर बड़ा हो सकता है, वो 3 डिजिट्स की बजाय 4 डिजिट्स का हो सकता है, 5 डिजिट्स का हो सकता है, तो उसके लिए एक मेथड होता है। ठीक है, मेथड क्या है? सबसे पहले 196 लिखा हमने, उसके बाद इसका बार लगा लेते हैं, ऊपर पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, 90 राइट से शुरू करेंगे, 96 का एक पेयर हो गया, बचा क्या? वन वन अकेले रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 नंबर होते तो 6 नंबर्स के 3 पेयर्स बनते। ठीक है, राइट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट को चलते आते हैं। तो 196 लिखा, अभी बार लगाया तो लास्ट में जो नंबर है वो है 1, अकेला नंबर है। अब इसमें शर्त ये है कि 1 के ऊपर टेबल पढ़ना है, तो जिसका टेबल पढ़ोगे उसका उतनी ही टाइम्स पढ़ा जाएगा। जैसे कि 1 1 जा पढ़ा जाएगा, 2 2 जा का टेबल पढ़ा जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो उसमें उतना आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो ये 1 1 जा होगा, 1 1 जा 1 हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या बचा हमारा? 96। 96 को यहाँ पे उतार लेंगे, लिख लेंगे, तो इसको पहले ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। इसका मेथड प्रोसेस याद कर लो, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, 1 प्लस 1 होगा 2। अब 2 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, 2 के आगे एक नंबर लगाएंगे उसका टेबल पढ़ेंगे। और जैसे कि हमने पहले बताया, अगर 2 के आगे 3 लगाओगे तो 23 हो गया, तो 23 का 3 टाइम्स पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर 24 मैंने लिखा है तो 24 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ा जाएगा। ठीक है, 24 4 जा कितना होगा? 4 4 जा 6, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा पूरा कट रहा है, तो ये फॉर्म यहाँ लिखेंगे। जिस तरह से हमने 1 आया था हमारे यहाँ पे, वो 1 को हमने यहाँ पे लिखा था, और 4 आया था तो 4 को हमने यहाँ लिखा। तो बेसिकली 14 का स्क्वायर 196 है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। मींस कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में से इवन नंबर का स्क्वायर कौन सा है? तो हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी ओड नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर भी ओड ही आएगा, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर इवन ही आएगा। तो अब ये पूछ रहा है इवन नंबर का स्क्वायर क्या है, तो अगर इवन नंबर का स्क्वायर होगा तो वो ऑब्वियसली इवन में ही होगा। अब आप कोई भी देख लो, फर्स्ट वाला क्या है? इवन है। 144 क्या है? एक इवन नंबर है। और बी क्या है? 169, जो कि ऑड नंबर है। 9 क्या है? ऑड नंबर है। 441 में 1 भी ऑड नंबर है, और 625 भी ऑड नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही रहेगा, जो कि इसमें सिर्फ ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर स्क्वायर। ऐसा कौन सा इसमें से नंबर है जो कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? अब ये क्वेश्चन है, इसमें आंसर ये है, मैंने इसमें नोट लिखे हैं। नोट नंबर 1 क्या है? अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8
इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, मींस जिस नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 आ रहा होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कभी भी। तो ये हमारे बाहर निकल जाएंगे। सेकंड क्या नोट लिखा मैंने, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग जीरो एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस एंड्स इन जीरो। फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ 10 क्या होगा, अगर इसका जीरो यूनिट प्लेस पे है, नंबर जो है यूनिट प्लेस पे जीरो है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एंड भी जीरो पे ही होगा। ये दो इसके इसमें नोट कराए आपको। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको एक बार देख लेंगे। हालांकि आपको अगर याद होगा ना, याद कर लोगे इनके स्क्वायर्स, तो आप सीधे सीधे बताओगे भाई 361 इज द स्क्वायर ऑफ 19। फिर भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि वो नंबर कुछ और भी हो सकते हैं। तो हमने इन दोनों को एलिमिनेट किया, कैसे कैसे किया, डी हम नीचे से लेके चल रहे हैं। डी क्या है, डी इज नॉट आंसर बिकॉज ऑफ नॉट वन। नॉट वन क्या है, ये अ नंबर एंडिंग इन 237 एंड किस में हो रहा है, ये नंबर एंड हो रहा है 3 पे, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सी क्या है, सेम कंडीशन, 2 आ रहा है लास्ट में, तो मैंने क्या बताया, ये नंबर जिसके एंड में होंगे उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। ओके फिर हम ए देखते हैं। अगर आपको ये पता हो कि बाकी के आंसर्स क्यों नहीं है तो आगे के लिए भी आसान होगा, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको बता देता सीधे सीधे कि 361 रहेगा। अब ए हो सकता था, दिस माइट बी द आंसर ऑफ 10 और 20, तो क्यों होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट टू। नॉट टू में क्या कहता है कि जिसके एंड में जीरो हो, मतलब एंड जीरो होगा कब, जब जीरो एट यूनिट प्लेस होगा उस नंबर का जिसका आपने स्क्वायर किया है। तो वो क्या हो सकता है, या तो 10 का स्क्वायर हो सकता है, फिर 20 का स्क्वायर हो सकता है। 10 और 20 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके बीच में, जिसमें लास्ट में जीरो आ रहा हो, जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा हो। तो 10 का स्क्वायर आपको बहुत ईजी है पता लगाना, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 से ये छोटा है और 100 से ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली ना तो ये 20 का स्क्वायर हो सकता है, ना ही ये 10 का स्क्वायर हो सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 361। तो सो द आंसर इज 361, क्योंकि 361 स्क्वायर होता है 19 का।